हेलो गाइस, मैं समीक्षा अग्रवाल। वेलकम यू टू कोड फ्रीक्स, अ चैनल मेड फॉर यू, मेड बाय यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडे जीएफटी प्रॉब्लम। आज की जीएफटी की प्रॉब्लम का नाम है ऐड बाइनरी स्ट्रिंग्स। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को दो बाइनरी नंबर्स गिवन होंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में। अपन को उन दोनों बाइनरी नंबर्स को ऐड करवाना है और स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रिटर्न कर देना है। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अपन इसको इस एग्जाम्पल से देखें तो इसके अंदर अपना फर्स्ट बाइनरी नंबर हो गया 1101 और नेक्स्ट बाइनरी नंबर है 1111। अब बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं, सबसे पहले अपन वो जान लेते हैं। तो हर किसी नंबर को ऐड करने के लिए एक अपने को कैरी चाहिए होती है, एक फर्स्ट नंबर चाहिए होता है नंबर वन और एक चाहिए होता है नंबर टू। ठीक है, यही होता है अपना सिंपल सा सेटअप किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर अपन इस एग्जांपल से देखें तो इसके अंदर इनिशियली कैरी तो जीरो होगी, ठीक है, प्लस फर्स्ट नंबर अपना वन है, मतलब हमेशा अपन सम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का लेफ्ट नंबर है वन और सेकेंड नंबर का है वन, ठीक है, और वापस इधर आंसर होती है और इधर नेक्स्ट कैरी होती है। ठीक है, तो अब देखो जब भी अपने दो नंबर्स और एक जीरो है ना, मतलब दो वन और एक जीरो आए बाइनरी नंबर में ऐड करने के लिए, जब दो वंस आए और एक जीरो आए तो अपने को क्या करना है, अपने को अपने आंसर को सिंपली जीरो कर देना है और अपनी कैरी कर देनी है वन। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट कैरी आई है वन प्लस, अब अपना फर्स्ट नंबर वापस हो गया है जीरो और नेक्स्ट नंबर है वन। अब अपना वापस यही केस बन रहा है कि दो वंस आ रहे हैं और एक जीरो आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपने आंसर को कर देंगे जीरो और अपनी कैरी कर देंगे वन। तो अपनी वापस नेक्स्ट कैरी वन आई है प्लस, अब अपना नेक्स्ट नंबर वन है वापस, फर्स्ट नंबर वन है और सेकेंड नंबर भी वन है। ठीक है, अब एक और केस मिल रहा है अपने को, जब तीनों वंस आए, ठीक है, जब तीन वंस आए तब अपन क्या करेंगे, अपन अपने आंसर को भी वन करेंगे और कैरी को भी वन करेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर तो वन हो गया, नेक्स्ट कैरी भी वन हो गई, प्लस मतलब ये वाली जो कैरी है ना ये हमेशा मैं नेक्स्ट कैरी में लिखती जा रही हूँ। ठीक है, इधर वापस वन आई थी तो वन इधर लिख दी है और वापस वन आई थी तो वन इधर लिख दी है। ठीक है, तो अब अपनी कैरी वन है, अपना एक नंबर हो गया वन और दूसरा नंबर फिनिश हो चुका है, तो अपन बोल देंगे इसका नेक्स्ट नंबर हो गया जीरो। ठीक है, तो अब वापस यही वाला केस है कि दो वंस मिल रहे हैं अपने को और एक जीरो मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, आंसर को कर देंगे वन, सॉरी आंसर को कर देंगे जीरो और कैरी को कर देंगे वन। अब अपनी वापस कैरी वन आई है, दोनों नंबर्स खत्म हो चुके हैं इसलिए अपन बोल देंगे आंसर अपना, मतलब नंबर्स अपने जीरो और जीरो हैं। अब एक और केस मिल रहा है अपने को, जब अपना कोई भी एक ही नंबर वन हो और बाकी दोनों नंबर जीरो हो, तो उस केस में क्या करेंगे, अपन आंसर को कर देंगे वन और कैरी को कर देंगे जीरो। ठीक है, अब यही अपना आंसर था, इसको एक और बार देख लेते हैं, एक और बार देखें अपन ऐसे। तो फर्स्ट नंबर अपना वन है, इधर भी वन है, तो वन प्लस वन करेंगे अपना तो क्या आएगा, आंसर अपना आएगा जीरो, कैरी आएगी अपनी वन। ठीक है, उसके बाद वापस ये वन आया है, ये जीरो है और कैरी अपनी वन है, तो वापस यही वाला केस बन गया कि दो वन आ रहे हैं एक जीरो आ रहा है, तो वापस अपना आंसर जीरो होगा, कैरी हो जाएगी अपनी वन। उसके बाद वापस अपना फर्स्ट नंबर आ रहा है वन, सेकेंड नंबर भी आ रहा है वन और कैरी भी वन आ रही है, तो मतलब ये वाला केस फॉलो होगा, अपना आंसर भी वन हो जाएगा और कैरी भी वन हो जाएगी। उसके बाद ये वाला नंबर अपना फिनिश हो चुका है, ये वाला नंबर आ रहा है वन, कैरी आ रही है वन और एक नंबर अपना जीरो है, तो वापस यही केस बन रहा है, जीरो वन वन, मतलब दो वन आ रहे हैं एक जीरो आ रहा है। अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि कैरी वन आ रही है कि फर्स्ट नंबर वन आ रहा है कि सेकेंड नंबर वन आ रहा है, कोई भी अगर दो नंबर्स वन आ रहे हैं और एक जीरो आ रहा है तो हमेशा अपना आंसर जीरो रहेगा और कैरी वन हो जाएगी। सेम ये वाला केस है कि इसके अंदर तीनों वंस हैं तो इसके अंदर आंसर हमेशा अपना वन होगा, कैरी भी हमेशा अपनी वन होगी, और इस वाले केस में जब सिर्फ एक ही वन चाहिए तो कोई भी मतलब नहीं है कि सिर्फ कैरी वन होनी चाहिए, कि फर्स्ट नंबर वन होना चाहिए, कि सेकेंड नंबर वन होना चाहिए, अगर कोई भी नंबर अपना वन आ रहा है ना तो हमेशा अपना आंसर वन होगा और कैरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अपना क्या था, अभी अपना फर्स्ट नंबर वन आ रहा था, ये वाला नंबर अपना खत्म हो चुका है तो इसको अपन जीरो मान लेंगे और कैरी भी अपनी वन है। ठीक है, तो ये वाला केस फॉलो होगा, आंसर अपना जीरो हो जाएगा।
कैरी हो जाएगी अपनी 1। ठीक है, अब ये वाला नंबर भी खत्म हो चुका है, ये वाला नंबर भी खत्म हो चुका है, तो अपन मान लेंगे कि दोनों नंबर 0 हैं और अपनी कैरी 1 है, तो अपना ये वाला केस फॉलो होगा। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा 1 और कैरी हो जाएगी फिनिश। ठीक है, तो ये नंबर अपने को अपना रिटर्न करना है, ये अपना आंसर है 1010। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो हाँ ये नंबर वही आ रहा है 1010। तो मतलब अपनी अप्रोच सही है, मतलब अपना क्वेश्चन को देखने का नजरिया सही है। एक बार इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, या फिर एक बार अब अपन अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच को अपन दूसरे किसी एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं कि अगर अपनी एक स्ट्रिंग अपने को, मतलब एक बाइनरी नंबर अपने को गिवन है 1110011, और एक नंबर अपन ले लेते हैं छोटा कोई, इधर 1 है गाइस, ये भी नहीं है, 1111, और एक नंबर अपन ले लेते हैं 1110। ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए अपने। अब अपन क्या करेंगे, अपन दोनों नंबर्स को ही लेफ्ट से, मतलब दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म में अपने को गिवन है, तो दोनों को ही अपन लेफ्ट से ट्रीट करना चालू करेंगे। लेफ्ट से ट्रीट करना चालू किया, अब अपन क्या बोलेंगे कि अगर दोनों ही नंबर्स 0 आ रहे हैं, मतलब अपन केस बना देंगे, कौन से, यही वाले सारे केस, कि या तो अपने, मतलब कैरी तो अपनी इनिशियली 0 रहेगी। ठीक है, कैरी को अपन इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, बाकी अपन बोलेंगे कि अगर अपने दोनों ही नंबर 0 हैं, मतलब इसके अंदर तो एक नंबर 0 और एक नंबर 1 आ रहा है, मतलब अपना क्या है, टोटल अपना नंबर ऑफ वंस कितने हैं सम में, मतलब इन दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इस केस में नंबर ऑफ वन जो अपन सम में लिखते हैं वो है 1, नंबर ऑफ वन अपना 1 है और इधर कैरी अपनी 0 है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना ये वाला केस आ गया कि सिर्फ अपना एक ही नंबर आ रहा है, क्योंकि कैरी भी 0 है, एक नंबर भी 0 है और सिर्फ एक ही नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, तो अपना ये वाला केस फॉलो होगा। तो इस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे कि अपने आंसर के अंदर अपेंड कर दो, अपना जो आंसर है उसके अंदर अपेंड कर दो 1, और अपनी जो कैरी है उसके अंदर 0 ही रहने दो। ठीक है, फिर अपना वापस एक नंबर आ रहा है 1, दूसरा नंबर भी 1 आ रहा है, मतलब अपने नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, इन दोनों में नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, दोनों 1 है, ये फर्स्ट नंबर भी 1 है, सेकंड नंबर भी 1 है, तो अपने नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और अपनी कैरी 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे, जब नंबर ऑफ वंस 2 है और कैरी भी 0 है, मतलब ये वाला क्या केस फॉलो हो रहा है कि 2 वंस है और 1 0 है, क्योंकि कैरी 0 है, एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर भी 1 है, तो अपन क्या बोलेंगे कि आंसर के अंदर अपेंड कर दो 0। ठीक है, मतलब आंसर के अंदर यहाँ पे आना चाहिए था 0, बट अपन राइट में लिखेंगे, मतलब अपन पहले पूरा ऐसे नंबर बना लेंगे, फिर इसको रिवर्स कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। ठीक है, और कैरी के अंदर कर दो 1, तो अपनी कैरी के अंदर क्या हो गया, कैरी हो गई अपनी 1, इधर से कैरी हटा दो, इसे थोड़ा ये भी हटा दो, वो थोड़ा इधर लिख दो, कैरी का आ जाएगा इधर। ठीक है, अपना ये वाला नंबर भी हो गया, अब अपन ये वाला नंबर देखें, तो ये वाला नंबर 0 है, ये वाला नंबर 1 है, मतलब अपने नंबर ऑफ वंस, इन दोनों में नंबर ऑफ वंस कितने हुए, 1 हुआ, तो अपन इधर काट के 1 लिख देंगे। तो अब अपना सम में एक नंबर 1 है, ठीक है, और कैरी में भी एक नंबर 1 है, तो अपने टोटल वंस कितने हैं, अपने टोटल वंस वापस 2 ही है। ठीक है, तो वापस यही वाला केस फॉलो होगा, तो अपने आंसर में आ जाएगा 0 और अपनी कैरी में आ जाएगा वापस 1, जो कि 1 ही चल रहा था। ठीक है, उसके बाद वापस अपना 1 आया इधर और इधर आया 0। ठीक है, इधर आया 1, इधर आया 0, मतलब अपने नंबर ऑफ वन, इन दोनों नंबर्स में जो मेन नंबर्स है उन दोनों में नंबर ऑफ 1 कितना है, 1 ही है। ठीक है, और कैरी भी अपनी 1 ही थी, तो अपना केस कौन सा फॉलो होगा, अपना यही वाला केस फॉलो होता जाएगा, इधर आ जाएगा 0 और कैरी में 1 ही रहेगा। फिर अपना इधर 1 आया और नंबर खत्म हो चुका है, तो अपन बोल देंगे कि इधर अपेंडिंग 0s ही हैं। ठीक है, तो इधर सम में नंबर ऑफ 1 कितना है, मतलब इन दोनों मेन नंबर्स में नंबर ऑफ 1 1 है, कैरी भी अपने 1 है, तो 2 नंबर ऑफ 1 से अपने पास, तो वापस यही वाला केस फॉलो होगा, तो वापस अपन 0 लगा देते हैं। ठीक है, और इधर कैरी 1 हो जाएगी, अब वापस अपन इधर 1 आ रहा है अपना, कैरी अपनी 1 है, तो सम में एक नंबर 1 है, कैरी में एक नंबर 1 है, वापस यही वाला केस फॉलो होगा, आंसर में 1 कर देते हैं, आंसर में 0 कर देते हैं, इधर 1 आ रहा है, वापस 1 है, तो अपन क्या बोलेंगे, कैरी में 1 है, नंबर ऑफ वंस भी 1 है, तो अपन आंसर में 0 कर देते हैं, कैरी 1 ही रहेगी। ठीक है, अब अपना ये वाला नंबर भी खत्म हो चुका है, ये वाला नंबर भी खत्म हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे कि दोनों नंबर 0 हो चुके हैं, सिर्फ अपनी कैरी ही 1 है, तो अपने नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 1 हो गए,
तो अपना कौन सा केस फॉलो हो रहा है, अपना वापस यही वाला केस फॉलो हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन आंसर में कर देंगे 1 और कैरी अपनी हो जाएगी 0। ठीक है, ये अपना आंसर है, इसको मतलब फ्लिप करना है, इसको फ्लिप करे ना फ्लिप करे एक ही बात है, क्योंकि दोनों साइड 1 है, बाकी बीच में 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना पैलिंड्रोमिक नंबर है। ठीक है, तो इसको फ्लिप करेंगे तो भी यही नंबर आएगा, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसको अपने आंसर से कस्टम इनपुट में चेंज करके। अपना क्या था, 111001, 111001, और क्या था दूसरा नंबर था, 0 मतलब 111 0, 111 0। ठीक है, एक बार इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। सॉरी गाइस, कोई तो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। इधर मैंने सामने लिखा है। एक बार अब इसको चला के देखते हैं। देखो इधर वही आंसर आ रहा है अपना, 1, फिर इतने सारे 0s और फिर 1, यही अपना अपना आंसर यहाँ पे था, तो अपनी अप्रोच सही है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि इसका कोड क्या होगा, इसको अपन बिल्ड कैसे करेंगे इस अप्रोच को। तो सबसे पहले अपन ने एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बनाई है इसके अंदर, फिर अपन ने बोला कि एक आई नाम का वेरिएबल लो, उसको फर्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट से स्टार्ट करो, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग के साइज -1 से स्टार्ट करो, मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और जे को स्टार्ट करो सेकेंड नंबर के सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर से, मतलब अपना ये दोनों लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, आई भी यहाँ पे खड़ा है फर्स्ट नंबर के लास्ट में और सेकेंड नंबर के लास्ट में खड़ा है जे। ठीक है, तो आई अपना यहाँ पे खड़ा है और जे अपना यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब और कैरी अपन ने बोली कि कैरी अपनी 0 है। ठीक है, अब अपन ने बोला कि जब तक आई और जे दोनों ही 0 ना हो जाए, मतलब दोनों ही जब तक 0 से बड़े हैं, तब तब तक अपना वाइल लूप चलेगा। फिर अपन ने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 0 रख दिया। अपन सम में बेसिकली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि कितनी बार एन और एन, मतलब एन ये जो दोनों मेन नंबर है ना अपने, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इसके अंदर कब कब मतलब कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, मतलब अपने दोनों मेन नंबर्स में कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, अपने को ये देखना है। ठीक है, तो अपन ने बोला कि अगर आई अपना ग्रेटर देन 0 है और ए ऑफ आई अपना 1 है, जो कि है ए ऑफ आई मतलब फर्स्ट नंबर के लास्ट में 1 है। ठीक है, तो ए ऑफ आई अपना 1 है, तो सम में प्लस प्लस कर दो, तो सम में अपना क्या आ गया, ये वाला लास्ट नंबर अपना 1 था, तो अपने सम में प्लस प्लस होके आ गया है 1। ठीक है, उसके बाद अपन ने बोला कि अगर जे ग्रेटर देन 0 है और बी ऑफ जे मतलब सेकेंड नंबर के लास्ट में अगर 1 है, जो कि था इधर 1। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, सम में प्लस प्लस कर दो, तो सम में क्या हो गया, 2 हो गया है, मतलब अपने सम में 2 होना क्या डिनोट कर रहा है, सॉरी गाइस, सम में 2 होना क्या डिनोट कर रहा है कि अपने जो जो दोनों मेन नंबर्स हैं कैरी के अलावा, जो दोनों नंबर्स हैं दोनों ही जगह पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों 1 1 है, कैरी अपनी इनिशियली 0 होती है, तो अपन ने क्या बोला कि अगर सम प्लस कैरी 3 है, मतलब सम प्लस कैरी करके 3 है, मतलब क्या है, तीनों अपने नंबर ऑफ वंस हैं, अगर कैरी भी अपनी 1 हो जाती, ठीक है, और सम तो अपना 1 ही है, तो दोनों को प्लस करके कितना होता, 3 होता, मतलब क्या होता कि अपने तीनों नंबर ऑफ वंस होते हैं, सॉरी गाइस, तीनों नंबर ऑफ वंस होते हैं, मतलब तीनों ही जो पोजीशंस है वहां पे 1 आ रहा होता, तो अपना ये वाला केस फॉलो हो रहा होता, तो इस वाले केस में क्या था, आंसर में 1 करना है और कैरी को करना है 0, कैरी को करना है 1, मतलब आंसर में भी 1 रहेगा कैरी में भी 1 रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अपन आंसर को भी 1 कर रहे हैं, मतलब आंसर में भी 1 अपॉइंट कर रहे हैं और कैरी भी अपनी 1 है। ठीक है, जब अपन ने बोला कि सम प्लस कैरी 2 होनी चाहिए, सम प्लस कैरी 2 होगी, इसका मतलब क्या होगा कि या तो अपने जो दोनों मेन नंबर्स है उनके अंदर से कोई एक 0 हो, तो अपना सम बन जाए 1, मतलब अपने सम में नंबर ऑफ वंस 1 ही हो और अपनी कैरी 1 हो, या फिर एक केस अपना ऐसा हो सकता है कि अपने दोनों नंबर्स तो 1 है लेकिन अपनी कैरी 0 है, तो इन दोनों केस में क्या होगा कि अपना जो आंसर होगा ना उसमें तो 0 आएगा और अपनी जो कैरी होगी वो 1 हो जाएगी।
तो आंसर में अपना जीरो अपेंड हो रहा है, कैरी अपनी वन हो रही है, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि सम और कैरी मिला के वन हो, मतलब नंबर ऑफ वन सम और कैरी में मिला के वन हो, मतलब या तो अपना सम में एक नंबर वन हो सकता है और कैरी अपनी जीरो हो सकती है, फिर सम के दोनों नंबर जीरो होनी चाहिए और कैरी अपनी वन होनी चाहिए। इन दोनों केस में अपन क्या करेंगे, इन दोनों केस में अपन आंसर को वन कर देंगे, कैरी को जीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जब केस बनेगा तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, आंसर को वन कर रहे हैं, कैरी को जीरो कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ऐसा कोई केस आया जिसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ वंस नहीं है, मतलब सम में भी जीरो नंबर्स ऑफ वन है और कैरी भी अपनी जीरो है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, आंसर भी जीरो होगा और कैरी भी जीरो होगी, इसमें अपना आंसर भी जीरो हो रहा है, अपनी कैरी भी जीरो हो रही है, ठीक है। और फिर अपन आई को माइनस माइनस कर देंगे, जे को माइनस माइनस कर देंगे, ताकि वो यहाँ पे पहुंच जाए, फिर यहाँ से होता होता लास्ट में पहुंच जाए और यहाँ नंबर खत्म हो जाए। इसमें भी अपन करेंगे कि जे यहाँ पे आते आते खत्म हो जाए, ठीक है। तो अपना व्हाइल लूप समझ में आ गया, इधर आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। और फिर अपन ने बोला कि जब दोनों नंबर्स खत्म हो गए उसके बाद भी कोई कैरी बची है, जैसे इस वाले केस में था कि इधर अपने दोनों नंबर्स खत्म हो चुके थे लेकिन अपनी कैरी बना रही थी, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला था कि अपने आंसर में कैरी को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख दो, मतलब आंसर में अपना एक और वन अपेंड कर दो, ठीक है। फिर अपन अपने आंसर को रिवर्स कर देंगे, और फिर इसके अंदर बोला है कि आंसर जो है उसके अंदर कोई भी लीडिंग नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने चाहिए, मतलब अपना आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर पहले स्टार्टिंग में जीरोस आ रहे हैं फिर अपना नंबर आ रहा है, ठीक है। कुछ तो अगर अपन इसको 111 को ऐसे लिखे 00111, या फिर ऐसे लिखे 111 सिर्फ, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसके अंदर से लीडिंग जीरोस हटा देंगे, मतलब ये जो दो जीरोस है वो अनवांटेड है, लीडिंग जीरोस है, ये कोई भी अपने नंबर को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अपन को नंबर ऑफ जीरोस हटाने। तो अपन क्या करेंगे, एक आई नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसको जीरो से इनिशलाइज करेंगे। फिर अपन बोलेंगे कि अगर आई मतलब आंसर की आई पोजिशन पे, मतलब आंसर की स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है, ठीक है, रिवर्स करने के बाद अगर अपने आंसर की स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है तो अपने जीरो को, मतलब अपने फर्स्ट पोजिशन को इरेज कर दो, ठीक है। अपनी फर्स्ट पोजीशन को इरेज किया, मतलब अपने स्टार्टिंग वाले नंबर को इरेज किया, उसके बाद वापस अपन ने देखा कि अगर अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे, मतलब ये वाला जीरो तो इरेज हो गया था ना अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन से, तो अपनी नई स्टार्टिंग वाली पोजीशन ये आ रही है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि क्या वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे जीरो आ रहा है, अगर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे जीरो आ रहा है तो वापस स्टार्टिंग पोजीशन को इरेज कर दो, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन को ये वाली बना दो, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि वन आ रहा है तो ये नहीं होगा, मतलब ये सारे ट्रेलिंग जीरोस जो आगे लगे हुए हैं इन सबको हटा देगा ये वाइल लूप, ठीक है। और फिर अपना आंसर रिटर्न हो जाएगा, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये सबमिट हो रहा है, मतलब ये एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।